हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज की इस वीडियो में जैसे मैं ट्रैक्टर्स के कई सारे पार्ट्स मैंने डाले थे, तो आज की इस वीडियो में हम अटैचमेंट्स के पार्ट्स डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर में ट्रॉली होता है, कल्टीवेटर होता है, हैरो होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ तो सब ने किया है, लेकिन आज हम ऐसी अटैचमेंट दिखाने वाले हैं कि भाई आप देखेंगे ना तो बिल्कुल शौक हो जाएंगे कि हाँ क्या हम इससे ये भी काम कर सकते हैं। तो हम बुल मशीन पे आए हुए हैं, ग्रेटर नोएडा में ये एक्सपो लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये बुल जो है इंडियाज नंबर वन ट्रैक्टर अटैचमेंट, ये इनकी टैगलाइन है। वो लोग दिखाते हैं कि कैसे हम ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर कोई भी हो सकता है आपका, उसमें अटैचमेंट आप लगा के खुदाई का काम कर सकते हैं या कुछ जो छोटा सामान है उसे आप भर सकते हैं। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम उमेंद्र शर्मा है। उमेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बुल बुल की तरफ से हैं। तो सर आप इस मशीन की वर्किंग बताइए कि ये कैसे वर्क करता है, ये किसी भी ट्रैक्टर पर लग जाएगा? सबसे पहली बात तो ये कि ये एग्री सीरीज का मशीन है और ये किसी भी ट्रैक्टर में लग जाएगा। वर्ल्ड वाइड कोई से भी ट्रैक्टर होता है, इसके लिए 3 पॉइंट लिंकेज की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें ट्रैक्टर में ये फिट होके आराम से वर्किंग कर सकता है। 8.5 फीट तक ये खोद सकता है। इसके वेरियस पर्पसेस होते हैं, एप्लीकेशंस जैसे यूज़ होती हैं, जैसे सीवेज में हो जाएगा, मिट्टी खोदने के, ट्रॉली भरने के काम में आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे कामों में आता है ये। बेसिकली हमारे पास 3 सीरीज आती हैं। एक छोटी सीरीज होती है जो 20 हॉर्स पावर से लेकर 35 हॉर्स पावर तक लगता है। ये 35 हॉर्स पावर से लेके अब 80 या 90 हॉर्स पावर तक लगेगा। एंड एक और आता है जो सीरीज़ होती है जो प्रॉपरली कमर्शियल में आता है, जो 50 हॉर्स पावर से लेकर 90 हॉर्स पावर तक की सीरीज़ में लगती है मशीन। तो सर इसकी वर्किंग क्या रहती है, मतलब ये हाइड्रोलिक्स पे काम करता है? टोटल हाइड्रोलिक्स पे काम करेगा, ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स पे काम करेगा, उसके फिर उसी से ही काम शुरू होता है। इसको कंट्रोल करने की बात करें तो कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ बैठ के अपना कंट्रोल होता है सारा का सारा। बाकी जैसा जेसीबी चलता है या जेसीबी जैसा ही है? हाँ। और जेसीबी से सस्ता है, सस्ता है, जेसीबी से सस्ता है। मतलब ट्रैक्टर के डीजल खपत के हिसाब से आप जेसीबी उतना काम ले सकते हैं, एक तरीके से हम बोले। हाँ। छोटा बिल्कुल 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 छोटा मोटा नहीं, प्रॉपर जेसीबी वाला काम करेगा और जेसीबी को ही कम्पीट करने के लिए ये मशीन तैयार है। और वैसे हम लोग बहुत पुराने हैं इस फील्ड में, लेकिन हाँ जेसीबी को पूरी टक्कर देगा और जेसीबी अच्छा काम करेगा। थोड़ा अटैचमेंट्स के बारे में बताएंगे हमें कि कौन कौन सा अटैचमेंट कहाँ पे जुड़ा हुआ है? यार बेसिकली इसे कहते हैं बटरफ्लाई आउटरिगर बोलते हैं इसे, उस साइड भी आउटरिगर है। ये इसी के बेसिस पे काम करता है। ये मतलब ये जब इसको नीचे उतारते हैं, इन्हीं कंट्रोल्स के द्वारा काम करा जाएगा, ये ट्रैक्टर ऊपर उठ जाएगा है ना, और फिर आराम से आप खुदाई का काम कर सकते हैं। दिस आर द ये अपने लोडर, ये सिलेंडर्स हैं, ये हैंड है, बैको है ये अपना, और इसी से खुदाई होती है। ठीक है, ये अपना आगे पीछे, ये ऊपर इसको आगे पीछे करने के लिए यूज़ में आते हैं सारे के सारे। तो टोटल मैकेनिज्म पूरा जेसीबी वाला है, बस उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट छोटा करके ट्रैक्टर में लगा दिया गया है, जो कि कॉस्ट इफिशियंट है, पैसा बचाएगा और काम हमारा भी जल्दी हो जाएगा। जेसीबी की जो मशीन आती है वो करीबन 40-45 लाख की आती है। ये पूरा आपको मशीन, अगर इसके साथ में हम लोग अपना लोडर भी जोड़ दें, दैट इज़ अ लोडर, और ट्रैक्टर अलग से ले लें तो 15 लाख रुपये 16 लाख का काम बन जाता है विद फ्रंट लोडर एंड बैक लोडर, दोनों लोडर लगा के, और ट्रैक्टर का प्राइस अलग से। ठीक, अलग से, जब ही मैंने बोला 15-16 लाख रुपए में काम बन जाता है। अगर किसी को बाई करना हो, कोई यह वीडियो देख के आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कहां से कर सकता है? आप डायरेक्टली हमारे, या तो हमारे बहुत जगह पे डीलर्स हैं, वेरियस जगह पे डीलर्स हैं, उसके अलावा आप डायरेक्टली हमारे बुल मशीन्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी आईडीज वगैरह हैं, अवेलेबल है हमारे, हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ट्रैक्टर अटैचमेंट्स डालेंगे तो सबसे पहला हमारा गूगल पे सबसे पहला हमारा ही आएगा, बुल मशीन्स करके आएगा, तो आप उस पर भी जाकर अपनी इंक्वायरीज डाल सकते हैं, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली हमारे जिस भी एरिया के बंदे हो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हैं। मेरे घर पे भी है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे एक्सपो में दिखा, तो इस वजह से मैंने इसको कवर किया कि आपको बता दूँ, और जो भी ऑथराइज पार्टनर है यहाँ पे या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मैंने आपकी बातचीत भी करवा दी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो है अपना बुक कर सकते हैं या फिर अपने घर पे मंगवा सकते हैं।